नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। यूसुफ जी आप ही हैं? हाँ जी यूसुफ जी मैं हूँ। सर मैं आज का भारत अखबार से आया हूँ, वो आपने फ़ोन किया था ना कि कुछ इश्तिहार छपवाना आपने। अच्छा अच्छा, तो बताइए सर, डिटेल दीजिए। क्या है, मैंने अपने बच्चों की शादी का इश्तिहार लगवाना है। मेरी एक बेटी है और एक बेटा, वो दोनों की शादी का इश्तिहार लगवाना मुझे। बताइए सर। लेकिन मैं एक शर्त बताना चाहता हूँ, वो शर्त है ना खास तौर से लिखनी है आपने। शर्त? मुझे अपनी बेटी के लिए वो लड़का चाहिए जो घर जमाई बन के रह सके, और बेटे के लिए वो घर चाहिए जो उसको घर जमाई रख सके। सर ये कैसी शर्त हुई? ये इसलिए आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें जो है लड़कियां अपने माँ बाप की तो सेवा करना चाहती हैं लेकिन सास ससुर की नहीं। तो मेरे घर में अगर मेरी बेटी रहेगी ना तो मेरी सेवा करेगी, और मेरा लड़का जिस घर में जाएगा उनकी लड़की अपने माँ बाप की सेवा करेगी। और पता है आपका अखबार मैंने क्यों चुना? आपके अखबार का क्या नाम है? आज का भारत। आज का भारत, तो आज के भारत में यही सब तो चल रहा है। पहले देखो बहुएं डरती थी सास कैसी मिलेगी, उसको डर चढ़ा रहता था। अब सास डरती है जाने बहू कैसी मिलेगी, ये डर जो है बहुओं ने बना रखा है। बेटी अपनी माँ के बारे में तो सोचती है, मेरी माँ बीमार है उसे दवाई मिलनी चाहिए, अपने भाइयों से तमन्ना करती है कि उसको दिखाएं माँ को, लेकिन अपनी सास को नहीं देखना चाहती वो ठीक ठाक। अपने हस्बैंड को मना करती है कि इनके बारे में मत सोचो, ना इनका इलाज कराओ ना कुछ कराओ। तो इसलिए चाहता हूँ मेरा बेटा जहाँ शादी करे ना वो उसको घर जमाई रखे, और मेरी बेटी जो शादी करे वो मेरे घर में घर जमाई रहे, ताकि माँ बाप दोनों सुखी से रहें। सर सोच तो अच्छी है आपकी, पर मुझे नहीं लगता कि समाज इसको एक्सेप्ट करेगा। मुझे पता है नहीं करेगा, लेकिन क्या है, घर जमाई कौन नहीं बनाना चाहता। चाहते ना कि हमारी लड़की दूसरे घर में ना जाए, हमारी लड़की हमारे पास रहे, हमारी आंखों के आगे रहे, तो इसमें बुराई क्या है। मैं भी तो अपने लड़के को कह रहा हूँ ना घर जमाई बना लेना उसको। कमाल की सोच है सर आपकी, और मैं भी यही आशा करूँगा कि आप ये जो कदम उठा रहे हैं ना इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आए, और अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके इस तथ्य को ना अच्छे से अच्छे तरीके से समाज के आगे पेश किया जाए। ठीक है, और जो भी आप बायोडाटा है ना मेरे पास व्हाट्सएप कर देना सर। ये शर्त बहुत ज़रूरी है, अगर माँ बाप को सुखी रहना होगा तो ये शर्त माननी पड़ेगी, नहीं तो ना वृद्ध आश्रम दुनिया में बढ़ते जाएंगे। दुनिया में क्या, हमारे भारत देश में, दुनिया का मैं गलत नाम ले गया, हमारे भारत देश में वृद्ध आश्रम बढ़ते जाएंगे, इनसे क्या होगी वृद्ध आश्रम की संख्या कम हो जाएगी, क्यों बुजुर्ग अपने घर में रहेंगे अपनी बेटी के पास, बेटी सेवा करेगी माँ बाप की, क्यों माँ बाप की तो करना चाहती है, नहीं तो वृद्धाश्रम भी बढ़ते रहेंगे और उनके अंदर वृद्धों की संख्या भी बढ़ती रहेगी। समाज को बदलना होगा, कौन बदलेगा, आप या हम या हमारे बच्चे। अगर आज की बहुओं को ये समझ में आ जाता है तो हमारी ज़िंदगी नहीं पूरे भारत की ज़िंदगी बदलेगी, अच्छी छवि बनेगी देश की। सर मैं आपकी इस सोच को ना अच्छे से अच्छे तरीके से पब्लिश करने की कोशिश करूँगा, ताकि समाज के पास ना एक अच्छा मैसेज अच्छे तरीके से पहुंच पाए। चलो सारी डिटेल ना आप मुझे व्हाट्सएप कर देना सर। ठीक है जी, ठीक है। ओके।